हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके लिए एक नया ट्रिक लेके आया हूँ। ये ट्रिक बहुत कमाल का ट्रिक है और ये हर जगह यूज होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल का स्टूडेंट है, हर एक को ये काम आएगा, क्योंकि नाम जो है उससे पता चल जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हमें टफ होता है और इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके उसकी आइडेंटिटी कैसे याद करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे क्या होगा, आपका एक आइडेंटिटी से आपके और बाकी के 8 आइडेंटिटी याद हो जाएगा, वो भी बिना रट्टाफिकेशन। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, आप इजीली याद कर पाओगे। देखिए स्टार्ट करते, देखिए आप यहां पर सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी जो है याद करना पड़ेगा, बाकी के 8 आइडेंटिटी अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए आप यहां पर सबसे पहले आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूं, देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको सिर्फ याद करना है आपको। अब बाकी के 8 आइडेंटिटी अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये याद कर लिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद कर लिया आपने। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेंगे, देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, पहला फॉर्मूला लिख लेता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। आइडेंटिटी से कहते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां पे मैं बाकी के 8 आइडेंटिटी एक के बाद एक लिखता जाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए आप यहां पर सबसे पहले काम करेंगे, इस cos square theta को वहां भेज दीजिए आप, तो क्या होगा, देखिए यहां पर sin square theta, अब देखिए यहां पर ये इक्वल टू यहां पे आ जाएगा, 1 का 1 यहां पे रह जाएगा, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos square theta हो जाएगा। देखिए एक आइडेंटिटी और एक बन गया, तो आप लिख सकते हो यहां पर सेकंड आइडेंटिटी क्या है, देखिए आपका यहां पर के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये काम हो गया। अब देखिए यहां पर अब क्या करोगे, जब आपने इस कॉस को इधर भेजा आपने, तो अब क्या करोगे, अब देखिए क्या करोगे, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अब ये काम करोगे, अब आप साइन को उधर भेजोगे आप, ठीक है। तो साइन को उधर भेजोगे तो कॉस इधर रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आइडेंटिटी बन गया। तो आप थर्ड आइडेंटिटी आपका काम आ गया, देखिए यहां पर आप लिखोगे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए टोटल 3 आइडेंटिटी आपके बन चुके हैं, अब बाकी कितना है, 6 आइडेंटिटी है। कैसे करोगे, देखिए बहुत ही ईजी वे है, देखिए एक ही आइडेंटिटी याद करना है, क्या याद करना है आपको, आपको याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप अब क्या करोगे, सबके नीचे आप यहां पर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, मतलब कहने का मतलब यह है सबके नीचे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अब देखिए क्या होने जा रहा है, देखिए आप ये जो है कैंसिल हो गया सेम है इसके लिए, तो 1 आ गया। अब देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लिख दोगे यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका एक आइडेंटिटी बन गया। तो यहां लिख दोगे नंबर 4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया। अब देखिए बाकी कैसे बनाओगे, आप ध्यान दीजिए इस कॉट को अगर मैं उधर भेज दूं मैं, तो ये 1 जो यहां पे रह जाएगा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए और एक आइडेंटिटी बन गया। यहां पर लिख लीजिए फिफ्थ आइडेंटिटी क्या बन गया आपका, कि देखिए 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका आइडेंटिटी बन गया, ये क्लियर हो गया। चलिए अब कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए अब हम काम करेंगे इस 1 को उधर भेज देंगे, इस 1 को उधर भेज देंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए आप यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और एक कॉट जो है इधर ही रह जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 था उधर चला है, क्या बन गया, माइनस बन गया। तो फिर से आइडेंटिटी बन गया, 6th आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए टोटल 6 आइडेंटिटी बन गए एक ही आइडेंटिटी से। अब बाकी के 3 भी बन जाएंगे, देखिए बहुत ही ईजी में बन जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने एक ही आइडेंटिटी काम आएगा आपका, कौन सा काम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square theta equal to 1. इससे पहले आपको सिखाया मैंने सबके नीचे आपको साइन रखना है, तो अब क्या करोगे, आप सबके नीचे आप cos रखोगे, सबके नीचे cos, देखिए cos square theta upon cos square theta, यहाँ पे भी cos square theta रख दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, sin upon cos क्या होगा, tan square theta होगा आपका, और एक cos cos कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 1 आएगा, और 1 upon cos x square theta क्या होता है, sec square theta। देखिए एक आइडेंटिटी बन गया आपका, तो लिखोगे यहाँ पर 7 नंबर लिखोगे आप यहाँ पर कि tan square theta plus 1 equal to sec square theta, ये आपका 7 नंबर वाला आइडेंटिटी बन गया आपका। अब क्या करोगे, देखिए ध्यान दीजिए, आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इस plus 1 को उधर भेज देंगे एक के बाद एक, तो यहाँ लिखेंगे tan square theta equal to sec square theta, ये प्लस वन उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस वन बन जाएगा, और एक आइडेंटिटी आपके रेडी हो गया। आप लिख लोगे 8 नंबर का आइडेंटिटी क्या है, tan square theta equal to sec square theta minus 1, ये रहा आपका हो गया। अब देखिए लास्ट क्या होगा, जब आपको 1 आपने वहां भेज दिया तो अब इसको भी तो जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, देखिए ये जब जाएगा तो 1 इधर रह जाएगा, 1 equal to sec square theta minus tan square theta, क्योंकि यहां पर प्लस था, अब उधर गया क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 9 नंबर वाला आइडेंटिटी क्या बन जाएगा आपका, 1 equal to sec square theta minus tan square theta। तो इस तरह से आप एक ही आइडेंटिटी से जो sin square theta plus cos square theta equal to 1, ये चीज से आप बाकी के 9 आइडेंटिटी, मतलब बाकी के 8 आइडेंटिटी आप इजीली याद कर लोगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक था जिससे आप अपने ट्रिग्नोमेट्री को इजी बना सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, जिससे उनका ट्रिग्नोमेट्री का डर जो है दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।